ये हमने फोर पीस काजू लिए हैं और ये अच्छे काजू हैं और हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे यानी कि बारीक पाउडर बना लेंगे आपको एकदम बारीक पाउडर बना लेना है और ये हमारा काजू का पाउडर रेडी हो गया इसी तरह से हम बाकी के काजू भी पीस लेंगे यानी कि पूरा पाउडर बनाना है ये देखिए बहुत ही बारिक हो गया है ये हमारे काजू कंप्लीट हो गए हैं पाँच सौ ग्राम काजू अब एक कढ़ाई लेंगे हम इसमें हमने चार सौ ग्राम चीनी डालनी है यानी कि शुगर और इसमें हम दो सौ ग्राम पानी ऐड करेंगे पानी आपको ही लेना है 400 ग्राम चीनी में 200 ग्राम पानी अगर आप एक किलो काजू का, का अगर काजू कतली बनाते हैं या कुछ भी तो उसमें आपको 800 ग्राम शक्कर डालना है और 400 ग्राम पानी ये देखिए हमारी चाशनी को अभी उबाल आने वाला है और हम इसे देख लेंगे ये देखिए हमारी एक चा तार की चाशनी हो गई है तो इसमें हम काजू का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पाउडर डालने के बाद आपको चार चार मिनट तक आपको सेकना है आपकी काजू कतली एकदम कंप्लीट हो जाएंगी अगर आपकी चाशनी थोड़ी और पतली रह जाती है तो थोड़ा आप ज़्यादा सेक लें अगर आपकी परफेक्ट चाशनी है तो आप तीन से चार मिनट सेकें देखिए अभी हमारी गैस ऑन है अभी हमारी काजू कतली का माल है जो हम मकई बनाएंगे यानी कि काजू भुट्टा ये रेडी हो गया है अब हम इसे चेक कर लेंगे इस तरह से उंगली पे गोल गोल घुमाएंगे पहले पहले चिपकेगा लेकिन उंगली पे जब ठंडा हो जाएंगा तो ये इसकी गोली बनना शुरू हो जाएंगी अगर समझो आप ठंडा होने के बाद गोली नहीं बन रही है तो आपकी काजू कतली का माल जो है ना वो लूज है तो आप और सेक लें अब इसे हमें सिर्फ फेंटना है ये हमारी काजू कतली कंप्लीट हो गई है यानी कि आप इसे जितना अच्छा घोटेंगे उतना टेस्ट भी आएगा और वाइटनेस भी बढ़ेगा और ये सॉफ़्ट भी रहेंगी ये हमारी काजू कतली का माल कंप्लीट हो गया है इससे आप कोई भी आइटम बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मकई बना सकते हैं आप काजू कतली भी लाट सकते हैं और कोई भी आइटम भी बना सकते हैं ये देखिए हमने दो छोटे छोटे टुकड़े अलग किए हैं और एक बड़ा अलग लिया है ये हमने काजू और बादाम को देसी घी में फ्राई किया हुआ है हल्का सा भूना है इसको थोड़ा हम बारीक कर लेंगे ये पहले से बारीक है लेकिन आपको हल्का सा ही बारीक करना है और ये हमने गुलाब जल इस्तेमाल किया है यानी कि अगर आपकी काजू कतली टाइट हो गई हो जाती है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल करें पानी ना ऐड करें और इसे हम मिक्स कर लेंगे ये हमारा कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड करना है काजू में आपको सेंट वेंट इस्तेमाल नहीं करना है और इसमें हम थोड़ा गुलाब जल ऐड करेंगे क्योंकि हम काजू मकई बना रहे हैं तो येलो कलर लगता है कलर आप अपने हिसाब से ऐड कर लें यानी कि कम ज़्यादा जैसा आपको लगता हो ये हमने लाइट कलर लिया है उसके बाद हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे हल्का सा ही डालना है आपको थोड़ा सा येलो कलर ऐड करेंगे उससे क्या होगा हमारा पेरेट कलर का बनेगा देखिए येलो कलर हमने ऐड कर दिया है और हमें एकदम ग्रीन नहीं चाहिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम पाटे को साफ कर लेंगे पीस आपको जितने साइज का बनाना हो बना सकते हैं फिलहाल हमने ये पंद्रह ग्राम के गोले तोड़े हैं क्योंकि हमें इसमें वाइट माल भी काजू का ऐड करना है ये अंदर बनने से क्या होता है दोस्तों एक नया टेस्ट भी आता है अंदर काजू बादाम भी निकलेगा और मक्का जैसा लगता है इसलिए हम इसको अंदर काजू बादाम भरते हैं और भुट्टा जैसा ही आपको लगेगा ये हमारा कंप्लीट हो गया है उसके बाद हमें पहले गोल करना है उसके बाद इस तरह से आपको हल्का सा कौन टाइप का बना लेना है फिर चाकू से इसी तरह से आपको डिजाइन करना है फिर साइड में से करें ये देखिए एकदम हमारे परफेक्ट डिजाइन हो गई है मकाई की एक दो पीस हम आपको और बता रहे हैं इसको थोड़ा लंबा ज़्यादा रखना है फिर साइड में से पहले छोटे छोटे करें उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर दें यानी कि आपको परफेक्ट मकाई की डिज़ाइन लगनी चाहिए अगर और भी आपको ड्राई फ्रूट के आइटम देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हैं और अगर आपको मावा के आइटम देखना है मावा के फैंसी आइटम उसके भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और अगर बर्फ़ी आपको देखना है गुलकन सैंडविच बटर स्कॉच बर्फ़ी पाइन बर्फ़ी पाइन हलवा चिप्पू का हलवा ये हमने सभी डाल रखे हैं और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई फैंसी मिठाइयों के वीडियो लाते रहेंगे ये हमारा मकाई कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम ये ग्रीन जो कलर था उसके एकदम छोटी छोटी गोली तोड़ना है एकदम छोटी छोटी क्योंकि इसकी हम जो मक्के के पत्ते रहते हैं ना वो बनाने वाले हैं इसको भी इसी तरह से बना लेना है आप चाहें तो दो पत्ती भी लगा सकते हैं और चाहे तो तीन पत्ती भी लगा सकते हैं ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट पीस बनके तैयार हो गया है यहाँ पे आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है क्योंकि काजू का कोई भी जिनसे आइटम बनाएँ तो आप फिनिशिंग का ध्यान रखें क्योंकि एक तो ये पहले से ही महंगा रहता है हज़ार रुपये किलो बारह सौ रुपये किलो ये हमने मीठी लौंग लिया है यानी कि स्वीट क्लैम भी बोल सकते हैं इसे ये हमारा मकई कंप्लीट हो गया है बन के ये जो हमने लगाया है वो मीठा लौंग है हमें अच्छे से चौकी में सोकर देना है हाँ अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है हमने तीन वाला भी बनाया है दो वाला भी बनाया है दो पत्ती का तीन पत्ती का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में